हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एजी सिप टैबलेट के बारे में। ये सिप्ला लिमिटेड का उत्पाद है। प्राइस की बात करें तो 250 mg की 6 टैबलेट आती है 70 रुपये में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ये टैबलेट किन किन समस्याओं में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसमें मौजूद साल्ट की बात करें तो वो है एजिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, इसलिए इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर किसी को बुखार है और वो पैरासीटामोल लेने से ठीक नहीं हो रहा है तो उस पैरासीटामोल के साथ में इसको भी दिया जा सकता है। इसके अलावा निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, COPD की समस्या में भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। कान में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन जैसी कई समस्याओं में इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इन समस्याओं के अलावा भी कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस टैबलेट की डोज के बारे में तो कंडीशन के अनुसार इसकी डोज अलग अलग होती है। जैसे डॉक्टर अगर आपको 500 mg की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं तो दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और इसे 3 दिन तक लिया जाता है। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर आपको 250 mg की टैबलेट लेने की सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेगनेंसी में और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए और इस टैबलेट को लेते समय शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो ये दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं एजीसीप टैबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को लेने से इनडाइजेशन, उल्टी, मतली और डायरिया की समस्या देखी जा सकती है। अगर आपको ये टैबलेट लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।